हेलो टेनिस, हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन में लेसन नंबर 5 है, उत्तोलक एवं सरल मशीन, लीवर्स एंड सिंपल मशीन। अब हम बात करेंगे इसमें उत्तोलक की। उत्तोलक देखिए, यह एक साधारण दृढ़ क्षण होती है जो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। स्थिर बिंदु को आलम फलक्रम कहते हैं। इसमें आलम के एक ओर बल लगाया जाता है तथा दूसरी ओर भार उठाया जाता है। उत्तोलक घूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये मेरे एक ए और बी, एक कोई साधारण प्रकार की छड़ है, इसमें बीच में क्या लगा होता है हमारा फलक्रम, जिसे एफ से डिनोट करते हैं, आलम बोलते हैं हिंदी में, और एक तरफ क्या लगा होता है हमारा बल, जिसे पीछे डिनोट करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा भार लगा होता है। जो हमारी ये ए से एफ तक की जो भुजा होती है इसकी लंबाई L1 और एफ से बी तक की जो भुजा होती है उसकी लंबाई L2। ठीक है, तब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, पी यानी कि बल पी इंटू ए इंटू एफ बराबर W इंटू एफ इंटू बी। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तोलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीवर्स। देखिए, उत्तोलक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, इसमें एक ओर भार दूसरी ओर बल तथा बीच में आलम होता है। जैसे कैंची, तराजू, प्लास, क्लाहमर, हैंडपम्प का हत्ता आदि। ये जो एग्जाम्पल सब हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। ये फिगर देखिए, ये जो हमारे उत्तोलक है इसमें बीच में क्या आ जाता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बीच में आलम आता है, एक तरफ हमारा बल आता है और दूसरी तरफ हमारा भार आता है, जिसमें हमारा बीच में फलक्रम आता है और दूसरी तरफ भार तथा दूसरी तरफ बल लगता है, तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, हमारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। जैसे कैंची, ये देखिए कैंची हमारी, इसमें बीच में क्या आ गया आपका, ये आपका फलक्रम आ गया, एक तरफ से हमने फोर्स लगाया और एक तरफ हमने भार रख दिया, तो ये कौन सी श्रेणी में आ गया हमारा, कैंची प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आ गया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में इसमें एक ओर आलम दूसरी ओर बल तथा बीच में भार होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में भार होता है। एग्जाम्पल, सरोता, सामान ढोने की गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन आदि। आपने घरों में नींबू निचोड़ने की मशीन तो देखी होगी, उसमें क्या होता है, जहाँ से जॉइंट होता है, इस तरीके से नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से नींबू निचोड़ने की मशीन होती है। समझने के लिए, यहाँ जो जुड़ा हुआ है ये आपका क्या आ गया, फलक्रम आ गया, और बीच में हम नींबू को रख देते हैं और फिर ऊपर से क्या लगाते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो ये कौन सी श्रेणी में आ गया हमारा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आ गया। ठीक है, जैसे ये देखिए, एक तरफ बल होता है इसमें और बीच में भार होता है और दूसरी तरफ इसमें आपका फलक्रम होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, देखिए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें एक ओर आलम दूसरी ओर भार तथा बीच में बल होता है। एग्जाम्पल, चिमटा। आपने घरों में चिमटा तो देखा ही होगा, चिमटे में क्या होता है आपका, एक पीछे से वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पीछे इस तरीके से चिमटा होता है, इस तरीके से मानिए चिमटा, यहाँ से जैसे वो चिमटे जुड़ा हुआ हो गया। ठीक है, ये चिमटा क्या हो गया, जुड़ा हो गया। चिमटे को कहाँ से पकड़ते हैं हम, बीच से बल लगाते हैं। ठीक है, और आगे से क्या लगा उठाते हैं हम, भार। तो ये चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है हमारा, तृतीय श्रेणी का। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या आता है आपका, बल, चिमटा, हल, कोहनी आदि। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपसे उत्तोलक के में आपको एग्जाम्पल दे करके पूछ लेगा कि चिमटा कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, या सरोता कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, इस तरीके से पूछ लेता है, या फिर आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि F किस श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आता है। आपको याद रखना है सीधे F W P, ये आपको याद रखना है F W P। एफ़ यानी कि फलक्रम बीच में आएगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, डब्लू यानी कि भार बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, पी यानी कि बल बीच में आएगा तो वो आपका तृतीय श्रेणी का
उत्तोलक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, एफ डब्लू पी यानी कि अगर एफ बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, डब्लू बीच में यानी भार बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, पी यानी कि बल बीच में है तो वह आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ये आपको याद रखना सिर्फ एफ डब्लू पी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें सरल मशीन, सिंपल मशीन। देखिए सिंपल मशीन क्या होती हैं, मशीन या यंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जाता है, उसे सरल मशीन कहते हैं। जैसे कुएं से पानी खींचना, जैक आदि। देखिए यहाँ पर एक कुएं से पानी खींचते हुए दिखाया गया है, ये बाल्टी है, ये यहाँ पर एक पुली लगा दी है, उस पर एक रस्सी है, ठीक है। यहाँ से हमने पुली पे प्रयास लगाया, बाल्टी यानी कि भार उठाया, ये पुली है। तो ये पुली जो है हमारी क्या किसका कार्य कर रही है, एक सिंपल मशीन का, यानी कि कम शक्ति लगाकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अधिक भार उठा ले रहे हैं, किसके द्वारा, पुली के द्वारा। ऐसे आपने देखा होगा जैक, जैक देखा होगा बड़ी से बड़ी गाड़ी का पहिया अगर बदलना होता है तो हम उसमें जैक लगाते हैं और सीधे आसानी से उसको उठा देते हैं, ठीक है। सिंपल मशीन हमारी वही होती हैं जो कम बल लगाकर अधिक कार्य करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे यांत्रिक लाभ। देखिए यांत्रिक लाभ क्या होता है हमारा, यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए भार या प्रयास का अनुपात मशीन का यांत्रिक लाभ कहलाता है। नोट, अधिकतर मशीनों को इस रूप में बनाया जाता है कि उनका यांत्रिक लाभ एक से अधिक हो, यदि मशीन में यह अनुपात एक से कम हो तो वह यांत्रिक हानि कहलाएगी। जो हमारी मशीनें होती हैं उनका जो यांत्रिक लाभ होता है एक से अधिक होता है, और अगर यदि उसका यांत्रिक लाभ एक से कम होगा तो वो क्या कहलाएगी, आपकी यांत्रिक हानि कहलाएगी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मशीन का यांत्रिक लाभ कितना होता है, एक से अधिक होता है, NCVT 2000 जो आपका 16 में हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला है, यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज MA बराबर भार यानी कि लोड बटे प्रयास यानी एफर्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा MA बराबर W अपॉन P, जहाँ W आपका उठाया गया भार, P लगाई गई शक्ति। इस पर ही आपका न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो सब हम अभी करेंगे। देखिए यहाँ एक नोट है, MA व VR यानी कि MA यानी मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ, VR यानी कि वेलोसिटी रेशो, वेगा अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। जो आपका यांत्रिक लाभ और वेगा अनुपात का कभी कोई मात्रक नहीं होता, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि यांत्रिक लाभ का मात्रक क्या होता है, इनका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें वेगा अनुपात, वेलोसिटी रेशो। वेगा अनुपात बराबर होता है प्रयास P द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, VR बराबर P अपॉन W, और इसकी परिभाषा बन जाएगी प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेलोसिटी रेशो कहते हैं, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, VR बराबर P अपॉन W। अब हम बात करेंगे इसमें मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता यानी कि इफ़िशेंसी ऑफ मशीन, मशीन की दक्षता। ईटा बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट, या ईटा बराबर MA अपॉन BR यानी कि यांत्रिक लाभ बटे वेगा अनुपात, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, इसी फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, और कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है। नोट हमारा, जब मशीन की दक्षता परसेंटेज के रूप में हो तब ईटा परसेंटेज लग जाएगी MA अपॉन BR × 100। ये आपका जब दक्षता आपकी परसेंटेज जब पूछेगा तब आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें स्क्रू जैक। देखिए स्क्रू जैक के यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात की बात करेंगे, इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। यांत्रिक लाभ जो होता है आपका स्क्रू जैक का यांत्रिक लाभ MA बराबर W/P होता है, ठीक। W क्या होता है, भार, P आपका प्रयास होता है। वेगा अनुपात VR बराबर आपका हो जाता है 2πR/P, जहां R आपका क्या होता है, उत्तोलक भुजा की लंबाई, और P क्या होता है आपका, स्क्रू की पिच होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साधारण पहिया एवं धुरी, सिंपल व्हील एंड एक्सल। सिंपल एंड व्हील एक्सल का हमारा जो यांत्रिक लाभ होता है वो होता है हमारा MA बराबर W/P,
और बेगा अनुपात होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, जहाँ कैपिटल डी आपका पहिए का व्यास होता है और स्मॉल डी आपका धुरी यानी कि एक्सल का व्यास होता है। ठीक है, ये सभी आपको फॉर्मूले याद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके एनसीबीटी में पूछे गए हैं।